नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। आप हमसे जुड़े, हम आपको समाचार एवं अन्य अन्य जानकारियों से बराबर कराते रहेंगे रूबरू। मित्रों, अभी देश में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और सारे रेस्टोरेंट बंद है, हम लोग की इच्छा भी होती है कि अपने बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाके कुछ आइटम खिलाएं। वो भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन का पालन हम लोग करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना जीतेगा, हम लोग हार जाएंगे। इसलिए हम लोग घर में रहते हुए भी कुछ घर में कुछ नया तरह का आइटम ही बना सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा, इससे पहले मैंने आपको सैनिटाइजर बना के दिखलाया था, और अभी मैं आपको झालमुड़ी कैसे तैयार होता है वो मैं आपको बना के दिखलाता हूँ। झालमुड़ी में क्या क्या दिया जाता है, कौन कौन चीज की मात्रा होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि झालमुड़ी कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, झालमुड़ी बनाने के लिए हम मुड़ी लिए है, आप देख रहे हैं मुड़ी है। साथ ही मैंने आलू को बॉयल किया है, आलू बॉयल करके आलू को कटिंग किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये टमाटर है, टमाटर को भी मैंने कटिंग किया है। उसके बाद झाल लेने के लिए जरूरी है ये मिर्चा, तो मिर्चा को भी कटिंग किया है। धनिया पत्ता को कटिंग किया है। प्याज, ये देख रहे हैं प्याज है, प्याज को भी मैंने कटिंग किया है, और ये आदि है। उसके बाद दालमुट का उपयोग करते हैं हम लोग, इसमें दालमुट आप देख रहे हैं, ये दालमुट है। और उसमें झालमुड़ी जब बनाते हैं तो उसमें तेल भी दिया जाता है, सरसों का तेल, ये सरसों का तेल है। साथ ही ये मिर्चा का बुकनी है, मिर्चा का बुकनी है ये, और नमक है। तो देखिए हम कैसे तैयार करते हैं, ये आपको मैंने बताया है, ये आपको चाट मसाला है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं इसको बनाने में। अब देखिए तो कैसे तैयार करते हैं इसको। पहले हम मुढ़ी लिए हैं, मुढ़ी में हम अलग अलग मसाला मिलाते हैं। आप देखिए, ये टमाटर है, मैंने टमाटर डाला। मेरी वीडियो को पूरी तरह देखिए, तब आपको लगेगा कि आप कैसे झालमुड़ी तैयार होता है। और साथ ही अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करिए। ये मिर्चा है, ये प्याज डाला मैंने, सभी को मैंने मिक्स कर दिया एक साथ। देखिए सारा कुछ मिक्स हो गया। और ये आलू का स्वाद बढ़ाता है, आलू का जो ये देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैंने पूरी तरह से डाल दिया है। आप अपनी मात्रा के अनुसार डाल सकते हैं इसको। देखिए, आपको डालना है तो आप अपनी मात्रा के अनुसार डाल सकते हैं। ये चाट मसाला है, अभी इसको हम लोग अपने घर में अपने बच्चों के बीच खाएंगे भी, परोसेंगे भी। ये तेल है, ये नमक की मात्रा आप अपने अनुसार दे सकते हैं ताकि ज्यादा नमकीन ना हो। मिर्चा का पाउडर, अभी सारे को हम मिक्स करेंगे। देखिए सारे को मिक्स करेंगे। ये झालमुड़ी देखिए अब तैयार होगा। देखिए मैंने इसको पूरी तरह से मिश्रण इसका कर दिया है, मिला दिया इसको। अब मेरा झालमुड़ी तैयार हो गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, झालमुड़ी अगर आप परोसना है तो इसके लिए मैंने एक कागज का टुकड़ा, आपके घर में अखबार होगा उसका एक आप बना लीजिए मोड़ के, और इसमें आप झालमुड़ी रख के आप दे सकते हैं। देखिए हो है ना, हुआ ना कि आपको कम खर्चे में घर में झालमुड़ी तैयार हो गया, बाहर भी नहीं जाना पड़ा, रेस्टोरेंट भी बंद है,
लोग घूम फिर के भी कुछ नहीं बेच रहे हैं, मात्र आपको मार्केट में जो आवश्यक आवश्यकता की वस्तु है वही उपलब्ध है सरकार के तरफ से। इसलिए लॉकडाउन का मजा यही है कि लॉकडाउन में अगर घर में कुछ बनाना हो तो अपने से बनाइए, और इसलिए मैंने बनाया है आप दर्शकों के लिए। आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करिए। साथ ही मैं इसको अभी दे रहा हूँ, मेरा भतीजा है, बेटा है रिजू, आओ रिजू देखो ये जो बैठो देखो ये झालमुड़ी बनाया है, खा के दिख रहा तो कैसा है बेटा, इसका स्वाद कैसा है बताओ। साथ ही हमारे कैमरामैन कन्हैया नायक सूरी हमारे साथ है, हमको सहयोग कर रहे हैं, और इस चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या 500 के ऊपर क्रॉस कर गई है, इसलिए आप दर्शकों को ढेर सारी बधाई शुभकामना मैं देता हूँ। अब मैं रिजू से पूछ रहा हूँ, रिजू कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा ना, हमारे दर्शकों को भी इसके लिए धन्यवाद दो कि हम ताकि समय समय पर कुछ कुछ बनाते रहे। धन्यवाद।